हेलो गाइस, वेलकम टू ऑप्शन ट्रेडर। तो गाइस, हम देखते हैं मंडे के दिन हम किन किन स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं या किन स्टॉकों में क्या पैटर्न बना हुआ है। तो हम चलते हैं जल्दी से अपने अप स्टॉक के वॉच लिस्ट पे। तो गाइस, मैंने बैंक निफ्टी का वीडियो बना के अपलोड कर दिया है, अगर आपने देखा नहीं है तो जाके देख सकते हैं। चलते गाइस IGL में। तो मैंने IGL में गाइस इससे पहले जो वीडियो बनाया था थर्सडे को, उसमें बताया था कि मैं 580 इसको शॉर्ट करने के लिए सेल सिग्नल जनरेट हुआ था और मैंने पोजीशन बनाई थी गाइस में, और मैंने प्रॉफिट बुक किया था। मतलब प्रॉफिट ज़्यादा था, पर मैंने थोड़ा टाइम कंजम्पशन के यहाँ, मतलब टाइम कम मिला इसलिए मैंने इसको बुक करने में थोड़ा लेट कर दिया, पर प्रॉफिट मैंने बुक किया था। तो गाइस देखिए, 15 मिनट में इसमें भी फिलहाल जो गिरावट थी हो गई, अब ऐसा लग रहा है इसमें थोड़ी सी मुझे तेज़ी के असर दिख रहे हैं शॉर्ट टाइम पर, लेकिन अभी देखेंगे 1 घंटे पर अभी भी ये गिर रहा है। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूँ, आप देखेंगे यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, देखिए ये, और ये जो है ना, आप इसका ऐसे लगा करके, कितना बताता हूँ मैं आपको, 568 का ऐसे लगा करके इसमें आप एक बार बाय कर सकते हो। लेकिन जब ये 571 के ऊपर आपको आप कर लीजिए, 572 के ऊपर अगर सस्टेन करता है पक्का बाय कीजिए अब इसमें। तो गाइस मैं कहना चाहूँगा कि 572 के ऊपर सस्टेन करे तो पक्का इसमें तब बाय कीजिएगा। और SL जो आप बताया मैं आपको कि SL जो इसका आप लगा सकते हैं, वजह खेलना चाहते हैं तो 568 का, नहीं तो मैं आपको बता दूँ एक बार, फिर 10 मिनट कोई सिग्नल नहीं है, 50 मिनट देखिए भाई, इसमें कोई हमारी तरफ से बाय सिग्नल जनरेट नहीं हुआ है अभी तक, सेल सिग्नल ही चल रहा है, बट एक रिवर्सल का पैटर्न ले रहा है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। इसमें कोई कन्फर्मेशन नहीं देखी अभी तक फिलहाल, मैं सेल का दिया था वही सेल का ही चल रहा है अभी हमारी तरफ से। तो अब SBI लाइव को देख लेते हैं, इसमें मैंने सेल का सिग्नल दिया था, हमारे को 15 मिनट पर उस दिन सेल सिग्नल जनरेट हुआ था तभी मैंने सेल दिया है, और ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है काफ़ी टाइम से। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो रेंज है ये है 1016 और आपको 1022, 1016 गाइस नीचे अगर ब्रेक कर जाता है तो आप इसे पुट में बनाइए, और 1022 ऊपर करता है तो पक्का बनाइएगा, पैसा आपको जरूर देके जाएगा ये। उसके बाद मन्नापुरम को देख लेते गाइस, अगर कोई फाइनेंस सेक्टर में, तो फाइनेंस सेक्टर में गाइस ने बाय सिग्नल जनरेट कर दिया, पहले सेल सिग्नल था, ऐसे बाय सिग्नल एक जनरेट हुआ है। तो मैं गाइस कहना चाहूँगा इसमें बाइंग कर सकते हैं, लेकिन बाइंग हमारा कहाँ से है, 176 से हम और भी देख लेते हैं 30 मिनट पे क्या बाइंग है। हाँ गाइस, इसमें बाइंग कर सकते हैं आप, अगर थोड़ा सा नीचे आपको मिलता है 177 के आसपास तो आप इसमें बाय जरूर बनाइएगा। अब इसके बाद गाइस आगे देखते हैं हम HDFC बैंक को। HDFC बैंक में देखिए गाइस, सेल सिग्नल दिया हुआ था ऑलरेडी 30 के बाद 1 आवर पे देखते हैं, इसमें भी सेल दिया हुआ है 4 घंटे पे देखते हैं, यहाँ भी सेल दिया हुआ है, यानी ये गिर ही रहा गाइस, 15 मिनट पे देखते हैं बाय सिग्नल। तो गाइस में अभी तक सेल सिग्नल जनरेट है, गिर रहा और गिरता ही रहेगा मुझे लग रहा है आगे भी कुछ दिन तक। अब इसमें चलते हैं गाइस आगे, एक बार देख लेते हैं फिर से हम कोई रिवर्सल का पैटर्न, अभी तक देखिए कोई रिवर्सल का पैटर्न, अभी तक कोई रिवर्सल का पैटर्न नहीं, लेकिन अभी MACD बुलिश क्रॉस ओवर में है तो थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, नहीं आएगा नीचे ही गाइस। तो थोड़ा इसमें अगर ट्रेड करना आपको तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा HDFC बैंक में। अब देख लेते फार्मा सेक्टर वाले स्टॉक कैडला में, कैडला में देखिए बाइंग सिग्नल जनरेट हो रखा है और ये ऊपर है, तो गाइस 30 मिनट पर अगर ये ऊपर है तो आप इसमें 638 के एसएल के साथ बाइंग कर सकते हैं, अगर आपको 1 मिनट और हम देख लेते लंबे टाइम फ्रेम पर, आपको 637 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो आप इसमें 636 कैसे लगा के ना बाय करिएगा। टाटा मोटर्स को देख लेते हैं, टाटा मोटर्स में देखिए एक MACD जो है 1 आवर पे बुलिश क्रॉस ओवर में है, पर हमको भी बाय सिग्नल नहीं मिला हुआ है लॉन्ग टाइम फ्रेम पे। और स्टॉक देखेंगे गाइस तो यही कंसोलिडेट कर रहा है, आप इसका SL लगाइए गाइस 300 का, ठीक है 300 का SL लगा के बाय कर सकते हैं, इसमें कैश में बाय करके रख लीजिए, अच्छा मुनाफा देगा ये। अब इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको कैश में बाय करने के लिए, डे के चार्ट पे गाइस ये गिर रहा है, और देखिए यहाँ से इसने डे के चार्ट पे 266 का नेक्स्ट इसका सपोर्ट है, अगर ये यहाँ पे 300 का लेवल तोड़ देगा तो 266 तक का टारगेट दिखा सकता है, लेकिन गाइस 300 का लेवल भी तोड़ेगा नहीं, इसलिए मैं बोला आप 300 का SL लगा कर कैश में बाय कीजिए, थोड़ी बहुत हो सकता है 300 का नीचे 2-4 पॉइंट आए, लेकिन बट ऊपर यानी ट्रैप करके आदमी को जिसका पोजिशन है काट के फिर चला जाए ऊपर। और वीक पे देख लेते हैं इसको, तो वीक पे भी थोड़ा सा डाउन ही लग रहा है, पर इसका सपोर्ट है 300, 15 मिनट पे देखते हैं
15 मिनट पे बाय सिग्नल जनरेट हो रखा है। तो गाइस आप 300 के एसएल के साथ बाय कीजिए, इसमें मेरी सलाह यही रहेगी। इन्फोसिस को देख लेते गाइस, इन्फोसिस में 15 मिनट पे बाय एसएल सेल चल रहा है, 1566 के ऊपर जाने के बाद ही इसमें कुछ हम करेंगे। 30 मिनट पे रन दीजिए, इसमें कुछ नहीं सस्पिशियस है। ग्लेनमार्क को देख लेते हैं, ग्लेनमार्क 30 मिनट पे बाय है, 15 मिनट पे भी बाय है, तो 1 आवर पे बाय कर सकते हैं इसको आप। ग्लेनमार्क में बाय कीजिए क्योंकि हमारे कन्फर्मेशन दे रहा है 15, 30, 35, 60 दिनों पे। अगर आपको ये मिलता है ना गाइस 666 के ऊपर सस्टेन करता है, तो इसका जो एसएल लगाएंगे 662 के एसएल लगा के बाय कीजिएगा। मैकडोवेल को देख लेते हैं गाइस एक बार, इसमें गिरावट देखिए, ऑलरेडी सेल सीन जनरेट है, 30 मिनट पे देखते हैं सेल है तो कि गाइस ये गिरेगा इसमें, अभी और गिरना इसमें है, तो आप 600 एक बार इसमें 661 के एसएल के साथ शॉर्ट करें इसको। JSW स्टील को देख लेते हैं, खुलने में टाइम JSW स्टील बाय सेल 15 छोड़ते हैं इसको, नहीं उतने आते हैं कुछ खास। NMDC को देख लेते हैं, NMDC में देखिए गाइस बाय सिग्नल तो जनरेट हुआ है, और देख लेते लंबा 30 मिनट पे छोड़ देते, इसमें भी कन्फ्यूजन है। मारुति को देखते हैं, मारुति में 15 मिनट पे एक सेल के बाद बाय आया है, 15 मिनट पे बाय है, 1 आवर पे। तो गाइस में मारुति में ऐसा लग रहा है मुझे कि थोड़ी तेज़ी आ सकती है, तो इसमें बाय करके चल सकते हैं। और हीरो मोटोकॉर्प को भी देख लेते हैं गाइस, सेल सिग्नल जनरेट कर दिया इसमें, और इसके सेल हस्ट और देख लेते हैं, 30 मिनट पे भी सेल है, 15 मिनट पे भी सेल पाया गया है, छोड़ते हैं। जहाँ पे सस्पिशियस, जिसमें भी सस्पिशियस लगता है उसमें ट्रेड नहीं करना हमको। बंधन बैंक को देख लेते हैं, बंधन बैंक में देखिए बाय सिग्नल जनरेट हुआ है गाइस, और ये चल रहा है ऊपर, कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे ये ना आपको 317 के ऊपर मिले ना, तो आप 314 के एसएल के साथ बाय कीजिए इसमें। भारतीय एयरटेल को देखते हैं, भारतीय एयरटेल में देखिए बाय सिग्नल जनरेट हुआ है, उसके बाद ये सीधा यहाँ जनरेट हो गया है, तो अब इसमें जो है ना 333 के एसएल के साथ बाय कीजिएगा करना है तो आपको। बाकी गाइस स्टॉक तो बहुत सारे हैं, ऐसे करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर आप लोगों को कोई इंक्वायरी है तो कमेंट बॉक्स में करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पर आप अच्छा ट्रेड करके अच्छा पैसा बना सकते हैं हमारे साथ जुड़ के, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, उसके बाद हम आपको अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप में जोड़ देंगे गाइस। बाकी अभी तक के लिए गाइस इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।